लखनऊ एयरपोर्ट पर सैटेलाइट फोन मिलने से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। सैटेलाइट फोन दुबई से लेकर आने वाले आरोपी कुलदीप को जेल भेज दिया गया है। एक रोज पहले ही अमौसी एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान कुलदीप के पास से सैटेलाइट फोन मिला था, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। जांच में यह पता चला है कि कुलदीप उन्नाव का रहने वाला है और वो मुंबई होते हुए दुबई जाने की फिराक में था, लेकिन एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने उसे सैटेलाइट फोन के साथ दबोच लिया था। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अमित, क्या पता चल रहा है, सैटेलाइट फोन कहां से आया? जी किशोर, आरोपी कुलदीप को निचली अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती लखनऊ पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को है कि वो आरोपी कुलदीप द्वारा दिए गए बयान को वेरीफाई करवाए, क्योंकि आरोपी कुलदीप ने, चाहे वो लखनऊ पुलिस हो, सुरक्षा प्रदेश की दूसरी सुरक्षा एजेंसी हो या फिर सेंट्रल एजेंसी, उनको अपने बयान में कहा है कि जब वो 20 जून को दुबई से भारत लौट रहा था तो। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। उस दौरान उसने अपने शेख से एक बैग मांगा था और उसी बैग में वो सैटेलाइट फोन रखा हुआ था और उसे मालूम नहीं था और उसे लेकर वो इंडिया आ गए। और अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी कुलदीप के पास सैटेलाइट फोन कितने दिनों से था, उसने इसका इस्तेमाल किया था या नहीं, क्योंकि एक रोज पहले ही उसे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर सैटेलाइट फोन के साथ पकड़ा गया था। जांच में यह बात भी सामने आई कि आरोपी कुलदीप पिछले कई दिन से छिपा हुआ था और वो एयर इंडिया की फ्लाइट AI-626 से मुंबई होते हुए दुबई जाने वाला था, लेकिन लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान वो पकड़ा गया। उसके पास से प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन बरामद हुआ। जांच के बाद जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक सैटेलाइट फोन दुबई के बड़े कारोबारी खल्दून खलीफा अल मुबारक का है और लखनऊ एयरपोर्ट पर सैटेलाइट फोन के साथ पकड़ा गया कुलदीप उनका घरेलू नौकर है। जांच के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि कुलदीप 1 महीने पहले सैटेलाइट फोन लेकर यूपी आया था। मतलब ये कि वो 1 महीने से सैटेलाइट फोन के साथ यूपी में रह रहा था, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। हालांकि सैटेलाइट फोन मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। जांच के दौरान ये भी पता चला कि कुलदीप उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला है, जिसके खिलाफ लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी कुलदीप से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि वो खल्दून खलीफा का नौकर होने के साथ उनके अबुधाबी में मौजूद घर में इलेक्ट्रिशियन का भी काम करता है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी 20 जून को छुट्टी लेकर उन्नाव आया था। आरोपी कुलदीप का कहना है कि अबुधाबी से उन्नाव आने के लिए वो अपने मालिक यानी खल्दून खलीफा का बैग लेकर चला आया और उसी बैग में ये सैटेलाइट फोन रखा था। इनका कहना है अपने साथ में लेकर आए थे और इनके पास लगभग काफी दिन तक फोन रहा, लेकिन यूपी में दुबई के कारोबारी के सैटेलाइट फोन के आने से खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट फोन कुलदीप के पास से मिला है वो स्विट्जरलैंड में बना था और अब सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि 1 महीने के दौरान इसका इस्तेमाल कब और कहां किया गया। कुलदीप से पूछताछ में पता चला कि वो अबुधाबी से 20 जून को दिल्ली लौटा था और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो सड़क के रास्ते उन्नाव आया था, लेकिन सवाल यह है कि जब कुलदीप दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा था तो वहां जांच के दौरान सैटेलाइट फोन क्यों नहीं पकड़ा गया। हालांकि जांच एजेंसियां इसका पता लगाने में जुट गई हैं। इसके लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है। असल में सैटेलाइट फोन मिलने से हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि भारत में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है, क्योंकि फोन की कनेक्टिविटी सीधे सैटेलाइट से होने की वजह से इसकी किसी भी कॉल को ट्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसे में देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा ना हो, इसे देखते हुए भारत में इसे बैन कर दिया गया है।